हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ग्रोथ। दोस्तों, आज हमारे पास आया ये ईगो कंपनी का टीवी। देख सकते हैं, ईगो कंपनी का टीवी है और यहाँ पर आप देखेंगे इसके मॉडल नंबर है 14 इंच का। ठीक है, ये वाला टीवी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, इसमें एवी नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप, इसमें एवी नहीं हो रहा, और एवी नहीं हो रहा मतलब वीडियो नहीं आ रहा इसमें। वीडियो जब तक नहीं आएगा, जब तक हम इसको एवी पे नहीं करेंगे तब तक वीडियो नहीं आएगा। और कस्टमर के पास इसका रिमोट भी नहीं है, और यहाँ पर जो की लगे हैं इनमें कोई भी की ऐसा नहीं है जिससे कि इसको वीडियो मोड पे कर सकें। और इसका दोस्तों बहुत पुराना मॉडल है ये, इसका रिमोट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कई सारे रिमोट खरीदे लेकिन फिर भी इस पर काम नहीं कर रहा है। तो ये वाला टीवी अगर आपके पास आता है, ठीक है, तो इसको वीडियो पे करने के लिए हम यूज़ करेंगे एमआई रिमोट। तो मेरे पास ये एमआई रिमोट, इससे हम इसको पेयर करेंगे और इसको वीडियो पे करेंगे, उसके बाद देखेंगे। दोस्तों ये मॉडल है, इस मॉडल का टीवी एक बार मेरे पास पहले भी आया था, और इसमें ओरिजिनल बोर्ड ही लगा हुआ है। आप देख सकते हैं सभी चीज़ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, इसका ओरिजिनल बोर्ड ही इसमें लगा है। तो इसको हम पेयर करते हैं, और पेयर करने के लिए सबसे पहले हम ईगो सर्च करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ईगो का कोई मॉडल शो नहीं कर रहा है। तो अब इस पर कौन सा रिमोट काम करेगा? तो दोस्तों ये मॉडल मेरे पास आया था, इस पर मैंने एक दूसरा मॉडल का रिमोट यूज़ किया था, वो कौन सा लगेगा अब आप देखना, क्योंकि ये मॉडल मेरे पास पहले भी आ चुका है। इसमें आपको सर्च करना होगा थॉमसन, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया थॉमसन। देखिए ईगो का टीवी है ओरिजिनल, और हम कर रहे हैं थॉमसन का। ठीक है, अब इसमें ये बता रहा है इज टीवी ऑन, तो हमारा टीवी ऑन है, तो ऑन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम का आ रहा है सिंबल, साइलेंट होना चाहिए इसको दबाते ही, तो देखिए नहीं हो रहा। दूसरे पे लेंगे, इस पे भी नहीं हो रहा, फिर तीसरे पे, इस पे भी नहीं हो रहा। इस तरह से हम इसको, ये देखिए म्यूट हो गया इसमें, मतलब पाँचवा नंबर का इस पे, ये देख सकते हैं आप, ये इसमें सिंबल आ चुका है, ये काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक कर दिया और ये पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो गया। अब देखिए मेनू प्रेस किया, मेनू आ गया। ठीक है, और अब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, ये इसका प्रॉपर रिमोट मिल गया। चैनल से देखिए, चैनल भी अप डाउन हो रहे हैं, सभी की जिससे काम कर रही है। अब इसको वीडियो पे करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थॉमसन लिखा हुआ आ रहा है, और इससे मैं अब आपको इसको एवी करता हूँ। एवी करने के लिए ये मेनू का है, और यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा थ्री डॉट पे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एवी लिखा हुआ आ रहा है, एवी करेंगे, तो देखिए पिक्चर आ गई, एवी मोड पर हो गया। तो यही था, ईगो का ओरिजिनल बोर्ड इसमें लगा है। ईगो ब्रांड का कोई रिमोट हम सर्च करते हैं तो ईगो का कोई भी रिमोट हमें एमआई रिमोट में नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको, अगर आपके पास भी ये क्लासिक 14 इंच का ये टीवी है, ये वाला मॉडल अगर आपके पास है और इसका रिमोट अगर मार्केट में नहीं मिल रहा है और ये प्रॉब्लम आ रही है आपके टीवी में, तो आपको ये थॉमसन टीवी मैंने अभी सर्च किया, ये वाला मॉडल आपको एमआई रिमोट से सर्च करना है, और आपका ये टीवी वीडियो मोड पे एवी पे हो जाएगा, और कोई रिमोट खरीदने या लाने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं इस पर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, सब काम कर रहे हैं अच्छे से, मेनू भी आ रहा है, देख सकते हैं सब कुछ एडजस्ट हम इससे कर सकते हैं। देखिए तो देखा आपने, ईगो का जो ब्रांडेड मॉडल है इसका रिमोट थॉमसन टीवी का लगा।
तो आपको इस तरह से ट्राई करके भी देखना है, क्योंकि ये मॉडल मेरे पास पहले भी आ चुका है, इसीलिए मुझे इस चीज़ का पता था कि इस ईगो वाले 14 इंच के टीवी में थॉमसन टीवी का रिमोट काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज की वीडियो। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।